जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी को लेके है, ठीक है। देखो, वैसे तो 15 तारीख को ही मैं ये वीडियो लेके आने वाली थी, लेकिन क्या है कि जब सिचुएशन भारी होती है तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन कोई नहीं, कुछ बच्चे कुछ पॉइंट्सों से अवगत नहीं होंगे तो आज की वीडियो में मैं क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। जैसा कि साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो नई भर्ती है उसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म आप भर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, ठीक है। बात करें कि इसकी लास्ट डेट कब तक है, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं। 14 मई 2024 तक हम फॉर्म भर सकते हैं, मतलब हमको एक महीने का समय मिलेगा। बात करें करेक्शन डेट, ये क्या होती है। जैसे करेक्शन डेट की बात करूं मैं आपसे, कहीं फोटो गलत अपलोड हो जाता है या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने मेल की जगह फीमेल कर देते हैं, फीमेल की जगह मेल कर देते हैं, तो जहां भी जो भी गलती होती है आप 15 तारीख से 24 मई तक इन गलतियों में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, गलतियों का समय सिर्फ इतना ही है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। एज की बात करें कांस्टेबल और एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए 18 से 28 तक है। और एज काउंट आपकी कहां से होगी, मतलब कहां तक होगी, 1/7/2024 तक आपकी एज काउंट होगी, 7 का मतलब जुलाई, ठीक है। और बात करूं मैं एसआई की, 20 से लेकर 28 तक इनकी उम्र है और एज काउंट का मैटर इनका 1 जुलाई 2024 तक ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी कांस्टेबल का जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपए बेसिक पे है। इसका बात करूं मैं एसआई की कि इनका जो बेसिक पे है वो कितना है, 35,400 रुपए है। अब बात कर लेते हैं कि इतना कम बेसिक पे है, क्या इतनी ही आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये जो कांस्टेबल का बेसिक पे है 21,700, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे भत्ते होते हैं, ये सब कुछ मिला के कांस्टेबल की जो सैलरी होगी वो 40,000 प्लस रहने वाली है। एसआई की बात करूं तो इनकी सैलरी 55,000 प्लस इनकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करेंगे हम फीस की कि फीस कितनी हमारी लगेगी। देखो, बात कर लेते हैं मेल में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, 500 रुपए आपकी फीस लगने वाली है। और मैं आपसे यही कहूंगी, अपने बैंक अकाउंट से ही फीस कटाना। क्यों कटाना, क्योंकि रिफंड आपके पैसे होंगे। अगर आपने बोल दिया साइबर कैफे वाले भैया से कि भैया आप अपने अकाउंट से पैसे कटा देना, तो फिर बाद में हम लोग भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करना कि आप अपने अकाउंट से ही पैसे कटवाएं। अब बात कर लूं कि रिफंड कितने होंगे, रिफंड 400 रुपए होंगे आपका जो सीबीटी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। अब बात करें एससी और एसटी फीमेल की, इनकी जो फीस है जब आप फॉर्म भरोगे 250 रुपए फीस लगेगी और रिफंड 250 के 250 ही हो जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। एग्जाम डेट देखो, सितंबर अक्टूबर 2024 में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से रखें, ठीक है, समझ गए मेरी बात। सिलेबस की बात करूं दोनों के लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए जो सिलेबस है, मैथ, मैथ रीजनिंग जीके जीएस है ना, 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का ही है, ठीक है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन एक नंबर का, और जीके जीएस का भी, सॉरी भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है, यहाँ आप 50 ही रखें, ये 50 का है जीके, रीजनिंग 35, मैथ 35, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। 120 प्रश्न 120 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें हम, तो 90 मिनट आपको मिलेगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब आप देख लीजिए कि जो फिजिकल है, फिजिकल में क्या क्या है। तो देखो, फिजिकल की बात करें, एक तरफ मैंने मेल लिखा है, एक तरफ फीमेल लिखा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको हाइट बताऊंगी,
कांस्टेबल और एसआई के लिए जो मेल की हाइट है वो 1.65 सेंटीमीटर है, फीमेल की 1.57 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चेस्ट की बात करें, चेस्ट में फीमेल का कोई रोल नहीं है, ठीक है, मैंने कट कर रखा है वहां पे। और यदि मैं मेल की बात करूं, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाकर, ठीक है। रेस की बात करें, कांस्टेबल में मेल की 1600 मीटर 5:45 में आपको करनी है, ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। फीमेल की बात करूं, 800 मीटर 3:40 में आपको कंप्लीट करनी है। रेस में एसआई की बात करूं, 1600 मीटर 6:30 में, ठीक है, और फीमेल 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप कांस्टेबल की बात करूं, 14 फीट मेल में है कांस्टेबल में, फीमेल की 9 फीट है, ठीक है। और एसआई के लिए भी, सॉरी एसआई के लिए सेम नहीं है, 12 फीट है, और मैं बात करूं फीमेल की तो 9 फीट ही है। हाई जंप की बात करूं कांस्टेबल की, 4 फीट है, और मैं बात करूं फीमेल की जो हमारी हाई जंप है वो 3 फीट है, ठीक है। एसआई की जो हाई जंप है मेल में 3 फीट है, फीमेल की भी 3 ही फीट है, ठीक है, समझ गए। ये फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से समझनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जोन के बारे में, कि ये जोन का जो मैटर है क्या है। देखो, पहले हम जो फॉर्म फिल करते थे वो जोन वाइज करते थे, अब ये जोन क्या है देखो, जैसे साउथ जोन होता है और नॉर्थ जोन होता है, काफी जोन होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सिस्टम क्या हो गया है, आपको फॉर्म तो फिल करना है लेकिन अपनी मर्जी से आपको चुनना नहीं है कि हमको इस जोन में जाना है। अब ये सिस्टम है, आप फॉर्म फिल करेंगे और आपके नंबर वाइज आपको जोन खुद ही प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले सिस्टम था कि जैसे हम लोग हैं, हम यूपी वाले हैं, तो हम नॉर्थ जोन के अंतर्गत ही फॉर्म भरेंगे। अब क्या है, जैसे मैं अपने ऊपर बताती हूँ कि मैं हूँ, मैंने फॉर्म फिल किया और जोन वाइज अब वो सिस्टम नहीं है। जब वो सिस्टम ही नहीं है तो क्या होगा, वो मुझे अपने अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग देंगे, चाहे केरल हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, ठीक है। जोन ना चूज करने का एक सबसे बड़ा घाटा यही है, पहले हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते थे तो चीजों को सोच समझ के करते थे, लेकिन कोई नहीं, जॉब बहुत अच्छी है, आप इसकी तैयारी कीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। जय हिंद साथियों।